ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम की जमूर की सियासत नहीं इजाजत दी जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत उनको होगी जिनके पास हराम की दौलत है, जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाएंगे और फिर इक्तदार में आके पैसा कमाएंगे। और साथ मजाक ये कि वो अमेरिका के जो कानून है वो पीटीआई एलएलसी वाले, वो उसमें कहते हैं कि जी अमेरिका के भी कानून की खिलाफवर्जी हुई है और बैरूनी मुल्क, तुम चौधरी हो अमेरिका के, वो उनके हर साल रिपोर्टिंग हो रही है, वो कह नहीं रहे कि कोई कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, यहां से बैठे इनको पता है कि अमेरिका के कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। तो जो भी वहां पर अकाउंट्स बताए गए हैं इसी तरीके से वो नाम लिए गए, वो बंदे को नाम दिया जी, नाम हिंदू था तो हिंदू पाकिस्तानी नहीं होते, क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं होते, ये सारी तफसील लोगों के वीडियो जिनके इन्होंने नाम लगाए उनकी वीडियोज अपलोडेड हैं, वो तमाम तफसील मौजूद है। फिर तीसरी चीज, एक और जो सबसे खतरनाक साजिश करने की कोशिश की गई है, कोशिश यह है जाएगी तो कहीं नहीं क्योंकि कानून के ऊपर इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, उन्होंने अपनी जो मैंडेट है उससे बढ़ के और भी बहुत सारे फैसले किए, उसमें उन्होंने अपनी मैंडेट से पैसे कर अपने इख्तियार से तजावुज करके जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया गया। अब जिसको वो बयान हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या, ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने, चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यानी वो जो जमा कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये इसको जरा फर्क करें हलफनामे से, जिस वक्त हम इलेक्शन लड़ते हैं फारूक हबीब को या असद उमर को या सरवर खान साहब को जाके अपने पेपर जमा कराने होते हैं तो इलेक्शन कमीशन में हम एक हलफनामा जमा कराते हैं, हम कहते हैं जी ये हमारे असासों का गोशवारा है साथ और मैं हलफ उठाता हूं कि इनके अलावा मेरे पास कोई असासा नहीं है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है क्योंकि हम अपने असासों की बात करते हैं, यहां पे चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो वो अपने असासों की बात नहीं कर रहा, अपने आमदनी की बात नहीं कर रहा, वो पार्टी की आमदनी की और पार्टी के असासों की बात कर रहा है जो मैंने आपको बताया सारी दुनिया में फैले हुए हजारों लोगों की तरफ से आ रहा है। और अल्फाज ये हमारे चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है, उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करें कि ओहो इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है ना, इंशाल्लाह ताला इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था ना आइंदा खतरा है, अगर खतरा है इस वक्त तो इस पाकिस्तान के बुसीदा सियासी और हुक्मरानी के निज़ाम को है कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बेख्तियार कर दिया गया है और पाकिस्तान के चंद खानदान ताकतवर तबके जो हैं वो चाहते हैं कि तमाम ताकत उनके हाथ में हो, अवाम के हाथ में कोई ताकत ना हो। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम की जमूर की सियासत नहीं इजाजत दी जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने की इजाजत उनको होगी जिनके पास हराम की दौलत है, जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाएंगे और फिर इक्तदार में आके पैसा कमाएंगे। और साथ मजाक ये कि वो अमेरिका के जो कानून है वो पीटीआई एलएलसी वाले, वो उसमें कहते हैं कि जी अमेरिका के भी कानून की खिलाफवर्जी हुई है और बैरूनी मुल्क, तुम चौधरी हो अमेरिका के, वो उनके हर साल रिपोर्टिंग हो रही है, वो कह नहीं रहे कि कोई कानून की खिलाफवर्जी हो रही है, यहां से बैठे इनको पता है कि अमेरिका के कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। तो जो भी वहां पर अकाउंट्स बताए गए हैं इसी तरीके से वो नाम लिए गए, वो बंदे को नाम दिया जी, नाम हिंदू था तो हिंदू पाकिस्तानी नहीं होते, क्रिश्चियन पाकिस्तानी नहीं होते, ये सारी तफसील लोगों के वीडियो जिनके इन्होंने नाम लगाए उनकी वीडियोज अपलोडेड है, वो तमाम तफसील मौजूद है। फिर तीसरी चीज, एक और जो सबसे खतरनाक साजिश करने की कोशिश की गई है, कोशिश यह है जाएगी तो कहीं नहीं क्योंकि कानून के ऊपर इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, उन्होंने अपनी
जो मैंडेट है उससे बढ़ के और भी बहुत सारे फैसले किए, उसमें उन्होंने अपनी मैंडेट से पैसे कर अपने इख्तियार से तजावज़ करके जो फैसले किए उसमें से एक ये किया है कि इमरान खान ने एक झूठा बयान हल्फी दिया गया। अब जिसको वो बयान हल्फी कह रहे हैं वो हकीकत उसकी है क्या, ये कानून के मुताबिक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर मौजूद है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं आपने। चेयरमैन पार्टी का जो है उसने सर्टिफिकेट देना है, एफिडेविट नहीं देना, हलफनामा नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, यानी वो जो जमा कराई जा रही है इलेक्शन कमीशन के पास, इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये इसको जरा फर्क करें हलफनामे से, जिस वक्त हम इलेक्शन लड़ते हैं फारूक हबीब को या असद उमर को या सरफराज खान साहब को जाके अपने पेपर जमा कराने होते हैं तो इलेक्शन कमीशन में हम एक हलफनामा जमा कराते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे असासों का गोशवारा है साथ, और मैं हलफ उठाता हूं कि इनके अलावा मेरे पास कोई असासा नहीं है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है क्योंकि हम अपने असासों की बात करते हैं। यहां पे चेयरमैन किसी भी पार्टी का हो वो अपने असासों की बात नहीं कर रहा, अपने आमदनी की बात नहीं कर रहा, वो पार्टी की आमदनी की और पार्टी के असासों की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया सारी दुनिया में फैले हुए हजारों लोगों की तरफ से आ रहा है। और अल्फाज ये हमारे चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के चुने हुए अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज कानून में है कि जहां तक मेरी मालूमात है और मेरा यकीन है ये दुरुस्त है इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ उसके अंदर लिखा होता है। उसको बुनियाद बना के इन्होंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से कोई खतरा पैदा करें कि ओह इमरान खान ने पता नहीं क्या कह दिया, अब तो इमरान खान की जो है ना वो सियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ने वाला है ना। इंशाल्लाह ताला इमरान खान की सियासत का कोई पहले खतरा था ना आइंदा खतरा है। अगर खतरा है इस वक्त तो इस पाकिस्तान के बुसीदा सियासी और हुक्मरानी के निज़ाम को है कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बेख्तियार कर दिया गया है और पाकिस्तान के चंद खानदान ताकतवर तबके जो हैं वो चाहते हैं कि तमाम ताकत उनके हाथ में हो, अवाम के हाथ में कोई ताकत ना हो।